Applause. Welcome, Colonel Rajyavardhan Singh Rathore, our Minister of Youth Affairs and Sports. And for all those glorious memories of 2004 Summer Games needs absolutely no introduction. Pride of this country. Thank you so much, sir. But other guests joining us from the Khelo initiative, which is very close to the Olympian in you, and then of course someone who's taking it forward as a minister. The features, your aspirations with the Khelo India. सबसे पहले तो जहाँ पर इसका श्रेय जाना चाहिए वो मैं जरूर जिक्र करूँगा और उसका उदाहरण न केवल खेलों में है बल्कि एक और बड़ा मूवमेंट हम शुरू कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसके अंदर किस तरह से हम जो राज्यों की जो स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उस बाउंड्रीज को कैसे हम उससे आगे जा सकते हैं हम एक बन सकते हैं और उसके अंदर एचआरडी और स्पोर्ट्स और कई और मंत्रालय मिलकर एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत और क्योंकि युवाओं के ऊपर इतना फोकस और इम्फेसिस रहता है प्रधानमंत्री जी का मन की बात हो या कभी भी जो जिक्र आता है हमेशा युवाओं का आता है और इसी से संबंधित अगर शिक्षित उनको करना है उनका उनका व्यक्तित्व को निखारना है उनका पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो खेल के मैदान से बड़ी आपको जो जो एजुकेशन है वो कहीं नहीं मिल सकती तो खेल का मैदान सिर्फ खेल के लिए नहीं होता शिक्षा के लिए भी होता है और उसी से संबंधित ये खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है जिसके अंदर न केवल फिटनेस है बल्कि खेल है और एक मूवमेंट है इकट्ठे होने का एक्सेलेंस अपने आप में आती है लेकिन सबसे पहले जो जिस चीज की जरूरत है वो है कि हम सब निकलें और खेल मैदान में जाकर खेलें जैसे स्पोर्ट्स इज ह्यूमन लाइफ इन अ माइक्रोकॉस्म घूम करके जितनी भी जिंदगी की सारी चीजें हैं सारे पहलू हैं वो हमें खेल के मैदान पर देखने को मिलते हैं बट सर आई गेट यू इन हियर बिकॉज वी लुकिंग एट अ नेटवर्क which has challenged and recreated this ecosystem of sports and we're talking beyond cricket cricket ko chhod ke chahe kabaddi ho chahe football ho chahe badminton ho to isme star sports jab aata hai judta hai khelo india ke sath to fir nazrein kahan par hain kahan par kis pehlu par sabse zyada kaam karne ki aavashyakta hai are namaskar sabse pehle main abhinandan karna chahunga hamare sports minister colonel rathore ka and sab guests ka sports minister jo hain ekatrit hue hain aur aap sab ka आई एम श्योर आप सब लोग कभी ना कभी स्पोर्ट्स खेलते थे खेलना चाहते थे और आपके बच्चे खेलना चाहते हैं पर सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल काम यह है जैसे हमने जब स्पोर्ट्स की शुरुआत की आज से 5 साल पहले हमने बड़ी लीग शुरू की है चाहे कबड्डी की हो हॉकी की हो फुटबॉल की हो पर जो बड़ा सबसे काम जो हमको लगा हमको करना चाहिए वो है लोगों का माइंडसेट बदलने का कि आज की तारीख में हमारे बच्चे खेलना चाहते हैं बट एज पेरेंट्स हम और हमारे टीचर्स उनको पूरा या तो टाइम नहीं दे पाते हैं या सोचते हैं कि शायद पढ़ाई खेल से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है पर खेल भी उतना ही ज़रूरी है और इसी मानने के चलते जब मिनिस्टर साहब ने बात की कि हम एक ऐसे खेलों की शुरुआत करेंगे जिसमें बच्चों को मौका मिले आगे आने का तब हमको लगा कि स्टार स्पोर्ट्स को ज़रूर उससे जुड़ना चाहिए क्योंकि इससे बेहतर काम स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए नहीं हो सकता अगर हम देखें हम जब पढ़ाई करते हैं 10वीं क्लास में बोर्ड के एग्जाम्स होंगे बच्चों को पता चलेगा कि नंबर 1 नंबर 2 आए सब मीडिया बात करेगी चाहे टीवी हो चाहे न्यूज़पेपर्स हो कि कौन बच्चा फर्स्ट आया कौन बच्चा सेकंड आया अगर आप बहुत अच्छा दौड़ते हैं आप बहुत अच्छा कबड्डी खेलते हैं और बहुत अच्छा हॉकी खेलते हैं तो आपको जानने पहचाने वाले लोग केवल आपसे परिचित ही जानते हैं हिंदुस्तान नहीं जानता है और हमारा ये मानना है कि इस माध्यम के जरिए हम पूरे हिंदुस्तान को बता पाएंगे कि हमारे देश में कितने प्रतिभाशाली स्पोर्ट्स बच्चे हैं और बच्चियां हैं और हमारे पेरेंट्स और टीचर्स भी समझ पाएंगे कि अगर स्पोर्ट्स को स्थान मिले सही तो हमारे बच्चे अगर स्पोर्ट्स का पढ़ाई के साथ कॉम्बिनेशन हो तो आगे बढ़ पाएंगे सो इसके चलते हमने डिसाइड किया कि हम स्टार स्पोर्ट्स एक पूरा सपोर्ट करेंगे और इस नेटवर्क के जरिए स्पोर्ट्स को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे उसमें द जॉय ऑफ स्पोर्ट सिर्फ खेल से जो सीख मिलती है जो एक कल्चर बनता है उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए ना कि इससे आप कहां पहुंचेंगे सिर्फ मेडल्स पे या सिर्फ
वो चैंपियनशिप जीतने पे फोकस आ गया है? जैसा भी कहा यहाँ जितने भी और अक्सर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से जब मैं वन टू वन बात करता हूँ तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो अपने प्रोफेशन से आगे से और बढ़कर वो स्पोर्ट्स का एक डायरेक्ट कनेक्ट है इन सबका. ये सभी के लिए है तकरीबन, या तो ये कहीं कॉरिडोर में हमने क्रिकेट खेला होगा, यहाँ कहीं गलियों में हमने कुछ खेला होगा, बैट भी नहीं मिला होगा तो हाथ से खेला होगा नहीं तो पांव से खेला होगा ये सारी, और वो भी नहीं मिला होगा तो क्लास में पीछे बैठ के पल्ले पलट के चौके छक्के मारे होंगे जो वो भी. तो ये सारा जो खेल है एक जीवन का हिस्सा है और इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात होती है कि जो जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे हमें शिक्षा मिलती है. वो जीवन के उतार चढ़ाव तो बड़े लंबे दौर के बाद में आते हैं, खेलों में तो हर आधे घंटे में उतार चढ़ाव आ जाता है. उससे जो सीख मिलती है, उससे जो अनुशासन मिलता है, उससे जो फोकस मिलता है, उससे जो टीम भावना जो जागृत होती है, जो सैक्रिफाइस करने की जो हिम्मत आती है, ये सारी की सारी शिक्षा खेल से मिलती है. और इसीलिए एक्सीलेंस से पहले आपको खेल के प्रति जो कमिटमेंट है वो चाहिए. और खेलो इंडिया कोई सरकार का कार्यक्रम है, खेलो इंडिया इज एक पूरा भारत, पूरा नेशन अगर साथ में आए तो हम एक खेल, पूरा खेल जो पूरे भारत को खिलाना है वो हम मूवमेंट अचीव कर सकते हैं. खेलो इंडिया जिसके अंदर टीचर्स हों, आपके पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, मोहल्ले वाले हों, जो कहीं भी चर्चा आए कि ये पार्क बनाया जाए या यहाँ पर ग्राउंड बनाया जाए तो क्यों ना उस चर्चा के अंदर ग्राउंड जीते और क्यों ना उस चर्चा के अंदर सब लोग शामिल होकर ये कहें कि हाँ इसके अंदर ये ग्राउंड होना बहुत जरूरी है. इतनी सफलता की स्टोरीज है. एक कार्यक्रम पहले था जहाँ कुछ एक जर्नलिस्ट दोस्त वहां पे थे, मैंने ये बताया कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज भारत के अंदर भरी हुई है. आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए जरूरी नहीं है कि किसी को कि कोई ओलंपिक पदक ही जीते तभी कोई इंस्पिरेशनल कहानी आएगी. घड़ी घड़ी जब भी चुनौती आती है उस चुनौती से किस तरह से हम पार करते हैं वो इंस्पिरेशन स्टोरीज होती है. और देश के अंदर इतने खिलाड़ी हैं कि उनकी इंस्पिरेशन स्टोरीज आपके जो अखबार के पन्ने हैं उसको भर सकती है. अब उसको देखकर जो आपका जो रीडर है क्या वो डिसग्रंटल हो जाए या डिसहार्टन हो जाए कि देखो ये ओलंपिक खेलने वालों के साथ तो ये हश्र होता है, या उसको देखकर इंस्पायर हो जाए कि इन्होंने खेला है तो मैं भी खेलूंगा, ये नहीं जीते तो मैं जीतूंगा. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बहुत जरूरत है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो उसमें ये बदलाव लाने की जरूरत है. दिस इज व्हाट इज खेलो इंडिया. पार्क वर्सेस ग्राउंड की जो आपने बात की वो दिल के बहुत करीब है शायद हमारे, किस किस से कितनी बार बोला होगा ना यहाँ भागे कि हम कहा जाके खेलें क्योंकि फिर वो बहुत छूट जाती है, पड़ोसी कभी देते नहीं. ऑल दीज डिफरेंट स्पोर्ट्स वी नीड टू बिल्ड टुगेदर. लेकिन जैसा ने कहा ये मूवमेंट एक कल्चर पैदा करने की एक चेष्टा है और उसके पीछे जब क्रांति लानी होती है जो मूवमेंट होती है इतिहास के बने हुए पलट के देख रहे हैं सबका एक नारा होता है. तो जब खेलो इंडिया मूवमेंट की बात करें इट इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट वी वांट एवरीवन टू हम अलोंग, क्योंकि हम जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. किसी ने कंधे पर हाथ रखे अगर कहा होता खेलो इंडिया साथ में हम तो शायद अलग प्रोफेशन में होते, लेकिन नहीं हुआ. बट एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वी गॉट दिस एंथम व्हिच आई एम श्योर आफ्टर वी हियर एवरीवन विल बी हमिंग. कैन वी हैव द एंथम फॉर द खेलो इंडिया गेम्स प्लीज.
खेलो इंडिया, साथ में हैं हम। अंधेरे में भी चेहरों पर जो मुस्कान है वो दिख रही थी। There is something about sport. No matter what field we end up being in, कोई कहीं पर भी super bosses बन जाए अलग-अलग profession में, खेल की बात आते ही सब वहाँ attract हो जाते हैं। Because there is a hidden sports person in everyone. And sir, with your permission, I would like to take everyone's notice to the screen because as soon as you saw this anthem, जो अब सब गुनगुनाएंगे, we're live on the social media. Very important to spread the message. So on Twitter, it's only time that we send out the first tweet. तो जो हैंडल्स हैं अब से कुछ ही देर में सब लाइव हो जाएंगे ट्विटर पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर खेलो इंडिया की जो वेबसाइट है एंड ऑल ऑफ दिस देयर वी गो द फर्स्ट वन हैज ऑलरेडी गॉन अप इफ यू हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड मेक श्योर दैट दिस इज द हैंडल दैट वी फॉलो कल के चैंपियन या सिर्फ खेल का लुत्फ उठाते बच्चे जो पूरे देश से देखेंगे तो टेल यू द हैंडल इज @KheloIndia ऑन ट्विटर वेबसाइट KheloIndia.gov.in और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @officialKheloIndia न्यू एज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड द मैसेज ऑन टू सोशल मीडिया लेकिन अब अगर कोई पूछ रहा है ठीक है ये सब देखने को मिलेगा एंथम बहुत अच्छा है लेकिन इसके अलावा द ईज ऑफ बीइंग एबल टू प्ले इन सब एप्स पे वेबसाइट पे सर क्या क्या मिलेगा कर्नल राठौर टू द लेमैन बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ की शुरुआत हो रही है सब कुछ एट द फ्लिक ऑफ अ बटन नहीं होगा लेकिन एक मूवमेंट शुरू हुआ है और उस मूवमेंट के अंदर आप सबका साथ चाहिए जिस तरह से इस एंथम में भी कहा है कि अगर खेलो इंडिया तो साथ में है कौन और जब तक साथ में है हम नहीं होगा जब तक ये मूवमेंट सफल भी नहीं हो सकता बहुत से माता पिताओं से मैं मिलता था पहले भी अब भी बहुतों को सुबह सुबह 5 बजे अपने बच्चों को स्विमिंग कराने ले जाते भी देखा है मैंने साथ में टिफिन की स्विमिंग करो पूरी ट्रेनिंग करो उसके बाद वो टिफिन खिला के बच्चों को स्कूल में पहुंचाना जिस समय टैलेंट नजर आता है और जिस समय तक वो टैलेंट अपने आप डिस्पाइट द सिस्टम जाके कहीं सफलता पाता है उसके बीच में एक बहुत बड़ा फासला होता है जिसको कवर करना तकरीबन नामुमकिन सा होता है इसीलिए बहुत कम हिंदुस्तानी ऊपर पहुंचते हैं इसलिए ऊपर कम नहीं पहुंचते कि हिंदुस्तान में काबिलियत कम है इसलिए कम पहुंचते हैं कि वहां पे जहां खुराक मिलनी चाहिए जहां खाद मिलनी चाहिए जहां समर्थन मिलना चाहिए जहां पर पीठ थपथपाई जानी चाहिए जहां शाबाशी मिलनी चाहिए जहां कोई अवसर मिलना चाहिए वहां कोई खड़ा नहीं होता सिवाय उस खिलाड़ी के और उसके माता पिता के ये गैप यू विल ऑल बी प्राउड टू नो दिस गैप will be filled up by all of you via your government, which is Government of India, through this movement of Khelo India. We will now start picking up 1,000 athletes every year through this under-17 tournament that is happening. And through our portal, talent portal, every year 1,000 athletes. And then we will give them 5 lakh rupees every year, continuously for 8 years. And every year we will add 1,000 athletes to this program of ours. Which means in 5 years we will have 5,000 athletes getting sponsorship because of all of you and because of India. And this is the way we will cover the gap between potential to podium. And right now, because we have just started, we are doing it with this under-17 tournament. But as all of you are experts, and so am I sitting here, that 17 may not be the right age to support for 8 years. Because rightly speaking, 18-19 saal tak to unko Bharat ki team mein a jana chahiye. If not, 18-19, 20-22 ki umar mein unko Hindustan ki team mein a jana chahiye. To 17 se 8 saal ka kya logic hua? Dheere-dheere hum is pure movement ko, agar hame samarthan milega, अगर इसको हम मास मूवमेंट बना सकते हैं इस पूरे मूवमेंट को इस सिलेक्शन प्रोसेस को हम धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे ताकि 12 साल की उम्र में और 14 साल की उम्र में वहां पर ये स्पॉन्सरशिप मिले ताकि 8 साल तक तब लगातार मिलेगी तो 18 या 20 साल की उम्र में पूरा समर्थन मिलने के बाद वो भारतीय टीम में एक ऊंचे दर्जे पर आके खिलाड़ी तैयार हो जाएगा जरूरत क्या है इसकी ओलंपिक्स में आज भी जीतते हैं लेकिन जब जीतते हैं तो एक खिलाड़ी होता है और अगर मुड़के देखो तो पीछे कोई नहीं होता
हिंदुस्तान की ताकत है कि कम से कम 50 खिलाड़ी इंतजार कर रहे हो कि वो उस खिलाड़ी की पोजीशन ले लें जो इस समय ओलंपिक्स में है. सो वी विल क्रिएट अ बेंच स्ट्रेंथ इन आवर कंट्री विद दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द 12 वर्टिकल्स ऑफ खेलो इंडिया. नाउ यू आस्क्ड मी अ वेरी बिग क्वेश्चन. I can go on speaking about all the 12 verticals. So I will stop right now so that you can carry on with your questions and we'll come up later. We'll come to that because there's some very interesting verticals as we were discussing. But this is where our television comes in. So you mentioned you'd like to see more and more champions. There were so many faces in there. Actually, khelne wale khiladi jo school, college mein khelte hain. The TV ki jo reach hai, isse, what is it that Star Sports would like to do? What is Star Sports' vision for these schools? I think एक बड़ा काम टीवी या डिजिटल करता है वो जो भी खेल हो उनको घर घर तक पहुंचाने का. अगर वो अच्छी क्वालिटी में हो, अच्छी कॉमेंट्री के साथ आए, अच्छी तैयारी के साथ आए, तो लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि मेरे को इसमें खेलना चाहिए और बड़ों को लगेगा कि मेरे बच्चों को यहाँ आके खेलना चाहिए. सो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो रहेगा स्टार स्पोर्ट्स का कि हम इन स्पोर्ट्स को अच्छी तरह से तैयार करें, आपको देखने में अच्छे लगे, कॉमेंट्री बहुत अच्छी हो और हर व्यक्ति हिंदुस्तान में उसको देख पाए. तो उसको पहुंचाने के लिए हम इसको हॉटस्टार पे चलाएंगे. आजकल मोबाइल पे सब लोग वीडियो देखते हैं, हॉटस्टार करोड़ों लोगों की मोबाइल पे डाउनलोडेड है, तो कभी भी जो लोग चाहें देख सकते हैं. स्टार स्पोर्ट्स के नॉर्मल चैनल जो हैं उनके ऊपर आएगा, पर उसके अलावा एक स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट करके हमारा चैनल है जो उन घरों तक पहुंचता है जहां पे लोग पे टीवी नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो फ्री डिश जो है उनकी वो पहुंचता है वहां पे. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं स्टार स्पोर्ट के जरिए आप हिंदुस्तान में कहीं भी हो, छोटे छोटे से गांव में हो या बड़े से बड़े शहर में हो, आपको खेलो इंडिया के गेम्स जो हैं हर व्यक्ति हर घर तक पहुंच रहा है. एक्सीलेंट सर, अगर पहुंच जाएंगे तो फिर एक और भी चीज है, जो घर वाले हैं उनके ताने थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि हम तो बड़े हुए हैं ना. आई एम श्योर एवरीवन कैन रिपीट आफ्टर मी एक चीज जो शायद हम सबने सुनी है, पढ़ोगे लिखोगे तो मेरी पता है अंदर से आती है थोड़े इस ग्रंटर के साथ, मैं तो नाना जी से सुनता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो ना ना. इट्स अ ट्विस्ट इन द टेल. देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, दिस नीड्स टू चेंज, दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज, क्योंकि घर से जो पहला प्रोत्साहन मिलता है उसकी शुरुआत होती है. सो वी हियर हैव गिवन इट अ ट्विस्ट. ट्विस्ट क्या है भाई, लेट्स हैव अ लुक एट द ट्विस्ट. जीवन नहीं कर सकता है और जिसके जीवन में खेलकूद है उसके डेवलपमेंट का लेवल बहुत अलग होता है. हर गांव गली से, चप्पे चप्पे से, हर प्रदेश से निकलेंगे खिलाड़ी. आओ देश की रीत मजबूत करते हैं. खेलो हाथों के साथ साथ पैरों से भी पिछले लिखना सीखते हैं. जो खेलना चाहो वो खेलो, क्योंकि खेलेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि आपके पास टैलेंट है कि नहीं. खेलोगे कूदोगे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, बनोगे लाजवाब, तो बनोगे लाजवाब. आ गया है खेलो इंडिया स्कूल गेम. चलो पढ़ाई में खेल बोलते हैं, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं. हाँ जी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे. अच्छा है, क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं, नवाब बनते हैं, फिर वो बड़े बड़े बॉसेस बन जाते हैं, फिर वो स्पॉन्सरशिप लगाते हैं स्पोर्ट्स में. घूम फिर के मामला पूरा आ जाता है स्पोर्ट्स के पीछे, तो लाजवाब बनना है तो स्पोर्ट्स की फील्ड पे. लेकिन इसी के साथ साथ इट्स ओनली फेयर दैट वी टॉकिंग अबाउट द स्कूल गेम्स एंड वी नीड सम मैस्कॉट्स व्हिच अगेन रेजोनेट विद द स्पिरिट ऑफ इंडिया. वी नो अबाउट द टाइगर बीइंग द एपेक्स प्रेडेटर, वी नो अबाउट द ब्लैक पाथ, यू गॉट टू बी स्विफ्ट. So it's only right that we unveil in front of you the mascots for these school games which are coming up on your screen. Bahut smart. They've got their own introduction as well. Ye hai josh aur junoon ki jang. Ye hai strength aur stamina ka mukabla. Main hoon Vijay. Aur main hoon Jaya. Aur hum lekar aa rahe hain sports ka jashn. Pehli baar खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और यही चले जाएंगे वो खिलाड़ी जो बनेंगे चैंपियंस. तैयार हो जाइए, आ रहा है पहली बार खेलो इंडिया स्कूल गेम्स. खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया. Do we have any visual of Jayanthu?
There is another thing for you to be proud about your name. Colonel Rathore, just coming back to this, hum verticals ki baat kar rahe the. We've got the mascots, we've got the platform, it'll go out, visibility badhegi. To shayad maa baap bolenge, school mein bhi dekhiye, TV mein aaya, padhos mohalle mein. Lekin ek phir bhi gap reh jata hai, to shayad jaane ki koshish karenge. Ek baat hoti hai incentives ki, dusri sahi markdarshan ki. Ek to aapko khelne ko milega, lekin wo jo faasla hai, ki kya aapko sahi coach milega, kya aapko khuraak ke baare mein sahi pata chalega. To ye kaise le jaya jayega, rural areas mein, jo thode जहां पर शायद एक्सेस ना हो इतनी आसानी से, इंक्लूसिव इसे कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, आई रियली लाइक दैट लाइन कि चलो पढ़ाई में थोड़ा खेल खोलते हैं. आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइन कि यहां ये बात नहीं हो रही कि खेल सबसे आगे है और सबसे बढ़िया है. एक बड़ी लॉजिकल बात हो रही है जो हर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि यू हैव टू हैव अ बैलेंस लाइफ, कि थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो. And have a grow up as a good human being. I think that's a wonderful line that you added. Jo verticals hain, aur uske andar ek bahut hi interesting vertical hai, jiske andar ya main kahun ki jiski wajah se ye Khelo India ki jo scheme hai, why I really find this unique as compared to isse pehle Paika hoti thi. Aap sabne usko cover karawa hai Paika ko. उसके बाद में राजीव गांधी खेल अभियान भी थी, उसके बाद में एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी थी. व्हाई आई रियली लाइक खेलो इंडिया इज दिस इज आल्सो अ वेरी बैलेंस्ड स्कीम. जिस तरह से हमने अभी बात करी, इट कवर्स एवरीथिंग एंड मोर सो इसका जो खास बजट है वो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है. सिर्फ स्टेडियम्स बनाना, सिर्फ प्लेइंग फैसिलिटीज बनाना, उससे काम नहीं चलता. उसको उसमें खेले कैसे, उसके अंदर जो कोचिंग है वो और कैसे आसानी से उपलब्ध हो, इसके ऊपर खेलो इंडिया ने फोकस करा है. तो पहली स्कीम ऐसी है जिसने एक प्लेइंग प्लेटफॉर्म भारत को दिया है, विच इज स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो अभी हो रहा है. पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है. एनुअल डे पर प्रोग्राम्स होते थे, वहां सब मेडल लेने जाते थे, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय लेवल पे क्या है? ये पहली बार इसको स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल चैंपियनशिप कराती थी, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं होता था. अब ब्रॉडकास्ट होगा, सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में खिलाया जाएगा. जितने भी टेक्निकल ऑफिशियल्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स पर होते हैं वो सभी वहां पर उपलब्ध होंगे. तो इस तरह की सुविधा है, इस तरह का प्लेटफॉर्म है. दूसरा, खेलो इंडिया ने क्या करा है? टैलेंट सर्च करा, उसकी मैं बात आपसे कर चुका हूं. तीसरा, खेलो इंडिया ने क्या करा है कि आपको जो सिखाने वाले हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके गुरु हैं, अब खेलो इंडिया उसको फंड करेगा ताकि गुरुओं की जो नॉलेज है उसको लगातार अपडेट करा जाए और उसको और बेहतर बनाया जाए. तो इस तरह का एक टाइप करा जा रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, कि चाहे वो कम्युनिटी कोच हो, चाहे वो ग्रासरूट कोच हो, चाहे वो डेवलपमेंटल कोच हो या एपेक्स लेवल कोच हो, हर जगह कोचेस को अपनी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए खेलो इंडिया पैसा फंड करेगा. एक डेटा बैंक बनाएंगे हम. अभी तक आपने नॉर्मल बैंक्स की बात सोची सुनी होगी, लेकिन अब एक बैंक ऑफ कोचेस बनेगा. वो बैंक ऑफ कोचेस बेसिकली हमारा डेटाबेस होगा, जिसके अंदर इस देश के हर शहर के अंदर जो भी अपने आप को कोच समझते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. और फिर हम पूरे भारत के अंदर इस तरह की सुविधा लेकर आएंगे कि अलग अलग कोर्सेज चलेंगे, कोई 2 हफ्ते का, कोई 3 हफ्ते का, इस तरह के कोर्सेज चलेंगे. कुछ विदेश में चलेंगे, कुछ भारत में चलेंगे. उसके अंदर आप ये जितने भी कोचेज हैं जो अपने आप को गुरु समझते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी नॉलेज आकर अपग्रेड कर सकते हैं. और अपग्रेड होने के बाद उनको एक सेंट्रल एजेंसी उनको सर्टिफाई करेगी कि आपका जो लेवल है वो ये लेवल है, ताकि जब कोई साधारण व्यक्ति किसी कोच से सुविधा ट्रेनिंग लेना चाहे तो तुरंत देख के बता सकता है, देख के जान सकता है कि भाई ये जो कोच है जो इस गली में नुक्कड़ में जो कराटे की क्लासेस चला रहे हैं इनकी असलियत में ग्रेडिंग ये है, वाकई में अच्छी है. तो जब ये महीने के 5,000 रुपए मांग रहे हैं तो मुझे 2 बार सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. तो हर तरह से, एक तो जो स्कूल जितने भी हैं, इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं जिनको कोचेस की जरूरत है उनको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बैंक ऑफ कोचेस में देख सकते हैं कि बैंगलोर शहर के अंदर कौन कौन कोचेस हैं, कराटे के अंदर कौन है, स्क्वाश में कौन है, सारे के सारे वाला लिस्ट होगा. दिस इज अगेन
बिकॉज एक एक हम सबको एक आदत है कि हर चीज सरकार कर रही है. दिस इज अगेन अ ओपन सोर्स प्रोडक्ट. जिसको आना है वो अपने आप रजिस्टर करेगा. हम ये सुविधा धीरे धीरे डेवलप करेंगे और धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे. सो दिस इज एज रिगार्ड्स कोचेस. एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. दिस इज आई एम श्योर यू विल लाइक. ग्रेजुअली मैं कई चीजें आपको बोल रहा हूं कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने जो जो जीवन है आपका, जिसमें आपने खेलों को कवर कराया है, उसमें कई बार आपको लगता है कि ये क्यों नहीं हो रहा. एक और चीज जो आपको पसंद आएगी वो है कि अभी जब कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक खेलों में कोई जीतता है तो उसके कोच को इंसेंटिव पैसा जाता है. लेकिन अब से हम स्कीम को चेंज कर रहे हैं. उस कोच को तो पैसा जाएगा ही, लेकिन जो टोटल पैसा है उसके अंदर से अगर अंतरराष्ट्रीय खेल है या नेशनल लेवल खेल है तो एक उसका कुछ प्रतिशत 20% जो ग्रास रूट कोच है उसको भी जाएगा और 30% जो डेवलपमेंटल कोच है उसको भी जाएगा. यानी जो शुरू से जो मदद कर रहा है खिलाड़ी को ऊपर बढ़ने में, ही विल ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्निशन. एंड द रिकॉग्निशन वी वॉन्ट टू इंश्योर गोज डाउन टू द ग्रास रूट लेवल. अब आपका यह सवाल आएगा कि इसको तुरंत हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यह भी एक स्लो प्रोसेस है. खेलो इंडिया के अंदर अभी जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं सब अंडर 17 के हैं और 10 साल बाद ओलंपिक्स में से इन्हीं में से कोई ना कोई जीतने वाला है. सब अपना अपने कोच का नाम वहां लिखेंगे. जो उनका पूरा डिटेल होगा उसमें उनके कोच का नाम भी होगा. जब आगे चलकर कोई अंतर्राष्ट्रीय कोच से या कोई राष्ट्रीय कोच से सीख कर जब ये ओलंपिक पदक जीतेंगे तो उसमें डेवलपमेंटल कोच का डेटा जो हमारे डेटा में है वो